बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि जीवन के अलग अलग रास्तों पर, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफलता पाने के सरल उपाय क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए क्या करें। रोज सवेरे जल में जरा सी हल्दी मिलाकर के सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। रोज सवेरे 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें और सुबह ब्रश करने के बाद एक अखरोट खाएं। ऐसा अगर आप नियमित रूप से करें तो शिक्षा की स्थिति आपकी बेहतर होगी और शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब अगर आप नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। रोज शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 3 बार या 19 बार परिक्रमा करेंगे और मध्य रात्रि में 108 बार शनि मंत्र का जप करें। वैसे संध्या काल में भी कर सकते हैं और ये प्रयोग किसी भी शनिवार को शुरू करके लगातार 27 दिन तक करें। नौकरी में सफलता की बेहतर संभावनाएं बन जाएंगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रेम में सफलता मिले तो क्या करेंगे। हर शुक्रवार को राधा कृष्ण को गुलाब के फूल अर्पित करिए। इसके बाद 1 बार मधुराष्टक का पाठ करिए और शुक्रवार को जब ये प्रयोग करेंगे उस शुक्रवार को खट्टी चीजों का सेवन ना करिए। और ये उपाय लंबे समय तक हर शुक्रवार के शुक्रवार करते जाइए, प्रेम के मामले में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब आप चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए, विवाह में सफलता मिले, क्या उपाय करेंगे। हर बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर में पीली मिठाई का भोग लगाइए। इसके बाद उस मिठाई के, उस प्रसाद के 2 हिस्से करिए। एक हिस्सा खुद खाइए और एक हिस्सा लोगों में बांट दीजिए। काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। विवाह संबंधी मामलों में आपको जल्दी सफलता मिल जाएगी। अब ये जानते हैं कि अगर मुकदमे में या किसी तरह के वाद विवाद में सफलता चाहते हैं तो क्या करें। रोज रात को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये रोज करें तो बहुत अच्छा है और अगर रोज ना कर सकें तो मंगलवार को जरूर करें और हर मंगलवार को मीठी चीज का दान करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब जानते हैं कि धन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। माता लक्ष्मी का ऐसा चित्र स्थापित करें जिसमें वो गुलाबी कमल के फूल पर बैठी हुई हों। इन्हें अपने काम की जगह पर या अपने धन की जगह पर स्थापित करें। रोज सवेरे उनको रुई लगा करके इत्र समर्पित करें और वही इत्र स्वयं को भी लगा लें। ऐसा करेंगे तो धन संबंधी मामलों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज हमने बात की जीवन के अलग अलग रास्तों पर सफलता पाने के उपायों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप कर्जे से परेशान हैं और चाहते हैं कि कर्ज आपका जल्दी उतरे तो क्या करेंगे। रोज सवेरे भगवान शिव को मंदिर में जाकर के जल अर्पित करिए। जल जो है वो घर से भरकर ले जाइए और शिव मंदिर तक पैदल जाइए। जल चढ़ाने के बाद एक मंत्र वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके शिव मंदिर में पढ़ें, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय ये मंत्र पढ़ें। ये उपाय किसी भी मंगलवार से शुरू करके लगातार 27 दिन तक करें, आपको लाभ होगा।